एक तरफ प्रयागराज में अभ्यर्थी सरकार के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर विरोध कर रहे हैं और वन शिफ्ट वन एग्जाम की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और कन्नौज से समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक दो नहीं बल्कि कई पोस्ट किए हैं। उन्होंने लिखा, पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकती है लेकिन एक प्रदेश में परीक्षा नहीं, भाजपा के ढोंग का भांडाफोड़ हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि छात्र कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, कि अलग अलग दिन हो रहे चुनावों में भी बीजेपी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाएगी। इसके अलावा एक और पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा है, भाजपा के एजेंडे में सिर्फ चुनाव है और भाजपा राज में अभ्यर्थियों के हिस्से में सिर्फ तनाव है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पहले चुनाव की तारीख 13 नवंबर तय की गई थी लेकिन बाद में इसे बदलकर 20 नवंबर कर दिया गया। अखिलेश यादव बीजेपी पार्टी को उसके काम को लेकर आए दिन सवाल करते रहते हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने नोटबंदी की सालगिरह पर बीजेपी पर हमला करते हुए उसे दुनिया की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी बता डाला था। आपको बता दें कि यूपी लोकसभा आयोग के खिलाफ प्रयागराज में प्रतियोगी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। आयोग के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में छात्र जुटे रहे और रात भर बोतलें पीटकर नारेबाजी करते हुए सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध जताया। यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2024 साथ ही आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के विरोध में प्रतियोगी अभ्यर्थियों का जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग चौराहे पर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते नजर आए। दरअसल बीते दिनों लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रीलिम्स 2024 साथ ही आरओ एआरओ 2023 की परीक्षाओं को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। इसी दिन आयोग ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी एक अधिसूचना जारी कर दी। इसमें आयोग की ओर से बताया गया कि दो या दो से अधिक दिनों में होने वाली परीक्षाओं में परसेंटाइल को आधार मानकर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसे में आयोग की ओर से घोषणा की गई कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओ एआरओ 2023 की भर्ती परीक्षा में मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा। फिर आयोग के इसी फैसले का अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अक्सर गलत सवाल पूछ लिए जाते हैं, ऐसी स्थिति में अगर पहली पाली की तुलना में दूसरी पाली में सवाल ज्यादा गलत हो गए तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें कितने अंक मिले। वहीं परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला भी किसी पाली में उपस्थित हुए छात्रों की संख्या के आधार पर निर्भर करेगा। ऐसे में छात्रों को डर है कि कहीं ज्यादा मार्क्स लाने वालों को भी परसेंटाइल कम न मिल जाए। इन्हीं सब को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों के इन्हीं विरोध प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।